इस टॉपिक में देखेंगे गियर क्या है, वर्किंग और इसका उपयोग क्या होता है, और इसके अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको समझेंगे। ट्रेन गियर, इस चैप्टर में ट्रेन गियर क्या है, इसका वर्किंग और उपयोग। ट्रेन गियर, एक ट्रेन गियर क्या होता है आपने देखा होगा, जो साइकिल या मोटरसाइकिल के पीछे कुछ इस तरीके का एक चक्का टाइप में लगा होता है, इसको गियर बोलते हैं। लेकिन एक से अधिक गियर जब आपस में जुड़े होते हैं तो उनको गियर ट्रेन कहते हैं। गियर ट्रेन को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जब दो या दो से अधिक गियर आपस में मैच होते हैं और पावर संचरित करते हैं एक सॉकेट दूसरे सॉकेट की शाखा तक, ऐसे गियर का मेल नोडल गियर को ट्रेन गियर कहते हैं या गियर ट्रेन कहते हैं। गियर ट्रेन में दो या दो से अधिक गियर का मेल होता है, यानी जहाँ पे दो या दो से अधिक गियर मिले हुए हैं उसे गियर ट्रेन कह सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, दो या दो से अधिक गियर की श्रृंखला को क्या कहते हैं, तो गियर ट्रेन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है संचरित करने के बीच ज्यादा डिस्टेंस होता है, इस तरीके का सिस्टम होता है। आप इस तरीके से गियर को आसानी से समझ सकते हैं। इसका उपयोग बहुत ही हाई और बहुत ही लो वेलोसिटी के अनुपात के लिए भी किया जाता है। बहुत ही हाई और लो यानी स्पीड को कम और ज्यादा करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आसान भाषा में इस तरीके के कह सकते हैं, किसी भी गियर ट्रेन में एक मेन ड्राइव और एक मेन डिवीजन डिवीजन होता है, डिवाइन भी बोलते हैं या डिवीजन डिवाइन कह सकते हैं, डिवाइन होता है। इसका एक इंटरमीडिएट गियर होते हैं, इसका उपयोग लार्ज वेलोसिटी रिडक्शन को पाने के लिए किया जाता है। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो लार्ज वेलोसिटी रिडक्शन को पाने के लिए किया जाता है। लिमिट स्ट्रेस में आमतौर पर इसका उपयोग लाभ के सभी मशीनों में किया जाता है, जो भी मशीन होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उनमें सभी में आमतौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका उपयोग किया जाता है, जो पावर को संचालित करती है। इसको दूसरे भाषा में समझते हैं, जैसे इसका उपयोग इंजन में किया जाता है, लेथ मशीन में किया जाता है, गियर बॉक्स में किया जाता है, ऐसे बहुत सारी जितनी भी लगभग ऑटोमोबाइल सेक्टर में सभी में, साइकिल से लगाकर मोटरसाइकिल सभी में किया जाता है। गियर ट्रेन की स्पीड का अनुपात जो होता है, अनुपात का कभी कभी फार्मूला पूछ लेता है, तो इसको शॉर्टकट में SR लिखते हैं, यानी स्पीड रेशियो। स्पीड रेशियो इसका होता है ओमेगा मेन ड्राइव अपॉन ओमेगा मेन डिवीजन। इस तरीके से ओमेगा क्या होता है, इसका एंगुलर वेलोसिटी होती है। यह ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लेता है कि ट्रेन गियर श्रृंखला में ओमेगा क्या होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी होती है। स्पीड रेशियो, वेलोसिटी रेशियो, गियर ट्रेन के अनुपात का ड्राइव और स्पीड का जो डिवीजन स्पीड होता है वो होता है। आपको क्लियरली ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। किसी भी गियर ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू इसकी कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू में ट्रेन वैल्यू निकालने के लिए आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ट्रेन वैल्यू स्पीड रेशियो का एब्रेसिकल होता है। जैसे ट्रेन वैल्यू बराबर होती है स्पीड वैल्यू के अनुपात से, यानी 1/5 स्पीड रेशियो भी इसको कह सकते हैं। वैसे अभी हमने ये फार्मूला आपको ऊपर भी दिखाया, इसके अंदर बहुत ज्यादा फार्मूला नहीं है, एक ही फार्मूला है ट्रेन गियर में। अब इसके कितने प्रकार होते हैं, तो इसके 5 प्रकार होते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि ट्रेन गियर ट्रेन के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके 4 से 5 प्रकार होते हैं। वैसे 4 या 5, अगर 5 ऑप्शन दिया है तो 5 वैसे 5 ही होते हैं कह सकते हैं, 4 से 5। ये अभी थोड़ा सा डाउट है इस चीज में, ये डाउट अभी बुक्स में भी डाउट है, कहीं से ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रही, लेकिन हम आपको 5 प्रकार अभी बताते हैं जो कि होते हैं। पहली होती है स्प्रिंग ट्रेन गियर, दूसरी होती है कंपाउंड गियर ट्रेन, और तीसरी होती है रिवेटेड गियर ट्रेन, चौथी होती है MP साइक्लिक गियर ट्रेन, पांचवी होती है प्लेटनेटरी गियर ट्रेन। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको समझते हैं एक एक करके कि इसमें क्या प्रोसेस है, इसका क्या मतलब होता है। पहला है सिंपल गियर ट्रेन, जब एक सॉकेट पर एक ही गियर फिट होता है, ध्यान रखना है जब एक सॉकेट पर एक ही गियर फिट होता है, ऐसे गियर सिस्टम को कंडिक्ट यानी सिंपल गियर कहा जाता है, सिंपल गियर ट्रेन कहा जाता है। इसमें सभी प्रकार का मॉड्यूलर एक समान रहता है, मतलब सभी गियर का मॉड्यूलर सेम रहता है, और इसमें पहला गियर क्लॉकवाइज घूमता है, तब दूसरा गियर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इस तरह सभी गियर घूमते हैं। यानी इसको सीधी सी सिंपल भाषा में अगर डिफाइन करें तो कह सकते हैं, तो सिंपल गियर होता है उसमें पहला गियर क्लॉकवाइज दूसरा गियर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इस प्रकार के गियर सिस्टम को सिंपल गियर सिस्टम कहा जाता है। यह आपको क्लियरली याद रख लेना है, और इसे आइडियल गियर भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है कंपाउंड गियर ट्रेन। कंपाउंड गियर ट्रेन क्या होती है, जब हमें हायर स्पीड रेशियो को लोअर स्पीड रेशियो में की रिक्वायरमेंट होती है, यानी बहुत ज्यादा स्पीड को
कम करने की जरूरत होती है, तो कंपाउंड गियर का यूज करते हैं। इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं, जब कंपाउंड गियर ट्रेन का उपयोग करते हैं जो इंटरमीडिएट स्टॉपर होती है उससे ज्यादा गियर उपयोग में लेते हैं, मतलब इंटरमीडिएट स्टॉपर पर एक से ज्यादा गियर लगे होते हैं जिससे पावर संचालित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा होता है लिमिटेड गियर ट्रेन। लिमिटेड गियर ट्रेन क्या होती है? लिमिटेड गियर ट्रेन अरेंजमेंट आमतौर पर क्रॉस और सिंपल लेथ मशीन में किया जाता है, यानी पूछा जा सकता है कि लेथ मशीन में कौन से गियर ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है, तो लेथ मशीन में सिंपल एलिवेटेड गियर ट्रेन का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, ब्लैक गियर का उपयोग स्लो स्पीड प्रदान करता है प्रदान करने के लिए किया जाता है। एलिवेटेड ट्रेन गियर भी एक प्रकार का कंपाउंड ट्रेन गियर ट्रेन होता है जो कि आमतौर पर को एक्सल कॉपर को कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे एलिवेटेड ट्रेन गियर कहा जाता है। यानी कह सकते हैं कि आमतौर पर को एक्सल कॉपर को कनेक्ट करने के लिए जो उपयोग किया जाता है उसे रिवेटेड गियर ट्रेन कहा जाता है। एंटी साइक्लिक गियर ट्रेन। एंटी साइक्लिक गियर ट्रेन क्या होता है? इसका जो उपयोग है ये हाई वेलोसिटी रेशियो को संचालित करने के लिए किया जाता है। गियर ट्रेन का साइज मॉडरेट होता है और यह कम स्पेस में एंटी साइक्लिक ट्रेन गियर का उपयोग वेस्ट वॉचेस में भी किया जाता है, यानी जो घड़ी होती है उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। एंटी साइक्लिक गियर ट्रेन। एंटी साइक्लिक गियर ट्रेन वह गियर ट्रेन होती है जिसमें गियर के साथ एक एक्सल भी रोटेट करती है और किसी भी एक्सल के बंडल में जब भी ऐसी ट्रेन को एंटी साइक्लिक ट्रेन गियर कहा जाता है। सिंपल कंपाउंड और रिवेटेड ट्रेन गियर भी होती है। एक्सिस को रोटेट करने के लिए जिस लिंक का उपयोग किया जाता है उसे आर्म कैरियर कहा जाता है। ध्यान रखना आर्म कैरियर किसे किया जाता है, तो एक्सिस आर्म कैरियर किसे कहा जाता है, तो एक्सिस में रोटेट करने के लिए जिस लिंक का उपयोग किया जाता है उसे आर्म कैरियर कहा जाता है। नेक्स्ट इसका पार्ट है पेनेट्री पेनेट्री गियर ट्रेन। पेनेट्री गियर ट्रेन क्या होती है? एक प्रकार का एंटी साइक्लिक ट्रेन ही होती है। इसमें दो गियर होते हैं, पहला गियर सेंटर में सेंटर गियर के अराउंड घूमता है। ध्यान रखना पहला गियर सेंटर गियर के अराउंड घूमता है उसे पेनेट्री ट्रेन गियर कहा जाता है, एक पेनेट्री ट्रेन गियर कहते हैं। दूसरे गियर में सन गियर और सन व्हील कहा जाता है, यानी दूसरा गियर जो होता है उसे क्या क्या कहा जाता है, तो सन गियर और सन व्हील कहा जाता है। आमतौर पर पेनेट्री गियर नंबर ऑफ प्लेट एक से ज्यादा होते हैं क्योंकि इसमें हाई पावर ट्रांसमिशन होता है और गियर के बीच में बैलेंसिंग ज्यादा अच्छी होती है। इस तरीके से आशा करते हैं कि आपको गियर चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के और भी चैप्टर हैं, धीरे धीरे हमारे चैनल पर लगभग 100 से 150 चैप्टर आपको मिल जाएंगे। आप कंटिन्यू देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।